हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो यार आज की इस छोटी सी बट इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपसे स्नैक वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर कोई वीडियो गलती से अपलोड हो जाती है तो उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह लें कि स्नैक वीडियो आईडी से हम अपनी ही वीडियो को डिलीट कैसे करें। तो इस आसान से तरीके को जानने के लिए आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्नैक वीडियो एप्लीकेशन में वीडियो को डिलीट करने का तरीका आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर वन है कि आपने स्नैक वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। आपने अपनी प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और जो वीडियो आपने अपलोड की होंगी वो आपको यहाँ पर नीचे नजर आ जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस वीडियो को डिलीट करना है तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। इसे क्लिक करने के बाद मैं इसे स्टॉप कर दूंगा। अब यहाँ पर आपके पास काफी सारे फीचर्स नजर आते हैं। आपने यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपने डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो वीडियो अपलोड की हुई होगी उसे डिलीट करने से वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप स्नैक वीडियो एप्लीकेशन से अपनी अपलोड की हुई वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।